हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन एंड डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर कॉन्टैक्ट्स। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो यू नो जॉब वैकेंसी निकली है, सो उससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो आप लोग के काफ़ी कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सो उसी को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द वेबसाइट, दैट इज़ careers.amuonline.ac.in। सो यहाँ पर जब आप यहाँ पर व्यू करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द होल PDF। सो यस, सो अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। सो यूनिवर्सिटी के स्कूल टीचर्स की पोस्ट बेसिकली ये निकली है, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, डेट इज 6 मार्च, एंड फॉर द हार्ड कॉपी जो आपको सबमिट करनी है डेट इज 21 मार्च, ठीक है। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ द स्कूल एंड सब्जेक्ट टीचर्स जिसमें आपको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, दैट इज़ बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स, जोग्राफी। और यहाँ पर सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। सो ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग को क्या एलिजिबिलिटी देखनी है, तो पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं, एक है पे रेंज है, दैट इज़ 47,600 टू 151,100 प्लस अलाउंसेस, एंड द एज लिमिट इज 40 ईयर्स, जिसमें नो एज बार और एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट रूल्स, वो आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली क्वालिफिकेशन ये दे रखी है 2 ईयर्स MSc कोर्स और मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और ये आपके यू नो सब्जेक्ट हैं बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इको, जोग्राफी, तो जो भी है उसकी मास्टर्स डिग्री आ जाएगी। सेकेंड एलिजिबिलिटी इज BEd। BEd में ये है कि आपका BEd कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप AMU परमानेंट टीचर मतलब वर्किंग कर रहे हैं तो BEd आपको 4 ईयर्स में कंप्लीट करना है। तो बेसिकली जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं BEd के, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था कुछ लोगों को। एंड दीज अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन है और अगर आपका प्रोफिशिएंसी है इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू मीडियम, तो दैट इज़ डिज़ायरेबल। सो अब जो आपकी पोस्ट बताई गई थी PGT के लिए थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, नाउ दिस इज TGT। सो यहाँ पर भी बेसिकली आपको स्कूल्स बता रखे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट सेम वही है, एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है, पे स्केल दे रखा है आपको 44,090 to 142,000, एंड दीज आर द सब्जेक्ट, इसमें भी सेम BEd है और आपको प्लस CTET भी क्वालिफाई होना चाहिए या फिर UPTET अकॉर्डिंगली, एंड अगर आपको कंप्यूटर आता है और लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी है, डेट इज़ डिज़ायरेबल। नाउ द थर्ड वन इज़ TGT। TGT वही है, मतलब एग्रीकल्चर का दे रखा है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा कंप्यूटर, दैन सुनिए थियोलॉजी, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में पोस्ट आई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है आप फिलअप कर सकते हैं। नाउ द प्राइमरी टीचर के भी आपको स्कूल्स दे रखे हैं एंड द नंबर ऑफ पोस्ट। तो प्राइमरी में ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे 7,500 ऊपर 1 और 2 ऐसे ही थी। पे स्केल वही है 35,400 to 112,400 प्लस अलाउंसेस, एंड दीज आर द क्वालिफिकेशन, डेट इज सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर 50% मार्क्स हो बैचलर ऑफ एजुकेशन में, और CBSE का CTET या UPTET आपको क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आर्ट्स में भी यही है प्राइमरी टीचर, देन गेम्स, कंप्यूटर, एंड सो दीज आर द एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स SC ST ये दे रखा है। नाउ द मेन जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट करियर्स एक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताई है। नेक्स्ट इज सेपरेट एप्लीकेशन आर टू फुल फॉर ईच पोस्ट अंडर डिफरेंट CL नंबर, अगर डिफरेंट पोस्ट है तो डिफरेंट एप्लीकेशन नंबर सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा, एंड द एप्लीकेशन फीस इज 500, एंड PW का यहाँ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, उनका कोई फीस नहीं है, ठीक है। अगर फीस पे हो गई है वो रिफंड नहीं होगी, तो बेसिक सी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं खुद ही। मेन हमें एलिजिबिलिटी पढ़नी थी, हमने पढ़ ली है, ठीक है,
ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये वेरियस पॉइंट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, पढ़ लेती हूँ। इंटरव्यू लेटर भी सेंड टू स्कूल पोस्ट के थ्रू आएगा। और SC ST के लिए वही 5% का रिलैक्सेशन ये दे रखा है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये नोट पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेंट फेसिंग एनी डिफिकल्टी वेल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वेस्टेड टू गो टू थ्रू द यूजर मैनुअल, और या फिर आप वेबसाइट से देख सकते हैं। और ये आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, एक्सटेंशन यूज करिएगा, एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस। ओके, नाउ एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द करियर पोर्टल फॉर अपडेट। इट इज सजेस्टेड एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोएक्टिवली वेल इन टाइम रादर देन वेट अंटिल द लास्ट डेट। का वेट नहीं करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। और आपको जैसे ही नोटिस का पता चलता है, वीडियो आपको से या किसी भी थ्रू, आपको किसी फ्रेंड से, वेबसाइट के थ्रू या हमारी चैनल से पता चलता है, आपको फ़ौरन ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। एक बार और मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको करना होगा। और यहाँ पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप, बेसिक प्रोफाइल भरनी है ये, और फिर लास्ट में ही लास्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 6 स्टेप्स में है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी आर देयर टू ऑलवेज हेल्प यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट, शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज आर टारगेट इज 1000 सब्सक्राइबर्स। आई होप आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है कोई पिछले लास्ट 3 मंथ्स से, सो आई होप आने वाले मंथ्स में हमारा चैनल और ग्रो करेगा, और हम ऐसे ही नए न्यू टॉपिक्स पे वीडियोज यू नो लाते रहेंगे, ताकि आप लोग का जो भी जॉब से रिलेटेड या एग्ज़ाम एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी यू नो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है, जैसे NET JRF है, इन कॉमर्स पेपर 1 पेपर 2, एंड कॉमर्स बेसिकली सब्जेक्ट है फ्रॉम क्लास 11th अप टू NET JRF लेवल, सो ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको किस टॉपिक पे क्या दिक्कत आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे मैं अपने एंड से करती रहूँगी, बट स्टिल आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे। And yeah, that's all for today. I hope you like the video. Oh, so just share it and keep learning, keep going, and subscribe to Whiteboard Online. Thank you so much.